जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री राधा माधव चिंतन पुस्तक से पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, एक बार की बात है, ज्येष्ठ मास था, मध्यान्ह काल श्री राधा जी को पता चला कि श्री श्याम सुंदर गोवर्धन पर विराज रहे हैं। नंगे पैरों जलती हुई भूमि पर वे चली। श्री कृष्ण से मिलना उन्हें आकांक्षित है, इसलिए कि मिलने से श्री कृष्ण को सुख होगा। वे अपने सुख के लिए उनसे नहीं मिलती। गोपियां श्रृंगार क्यों करती हैं, केश क्यों रखती हैं, वेणी क्यों बांधती हैं, अच्छे कपड़े क्यों पहनती हैं? श्रृंगार के लिए नहीं, उनको इस रूप में देखकर श्री कृष्ण को सुख होता है, इसलिए। और कोई भी हेतु नहीं है। जीना उनके लिए, खाना पीना उनके लिए, ओढ़ना पहनना उनके लिए, सब कुछ उनके लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्री कृष्ण यदि चाहें कि गोपियां हमें गाली दें, हमारा अपमान करें, तो वे वैसा ही करती हैं। क्षोभ में गाली नहीं देती, अपमान नहीं करती। क्षोभ में मनमानी गाली देना तो काम जनित क्रोध का कार्य है। वे तो उनकी तुष्टि के लिए ही उन्हें गाली देती हैं। इससे प्रियतम श्री कृष्ण को अधिक प्रेम रस का आस्वादन प्राप्त होता है। श्री कृष्ण को यथेच्छ प्रेम रस का पान कराने के लिए ही वे श्री कृष्ण की अवज्ञा करती हैं, उनका तिरस्कार करती हैं। इसमें भी उद्देश्य है उनको सुखी करना। एक दिन निकुंज में श्री राधा रानी का आदेश हो गया, श्री कृष्ण को निकाल दो, वे हमारे यहाँ ना आने पाए। सखियों का पहरा बैठ गया। यह केवल इसलिए कि श्री कृष्ण ऐसा चाहते हैं, प्रियतम चाहते हैं। प्रियतम की चाह पूरी करने में यदि प्रियतम की अवज्ञा भी करनी पड़े तो वह स्वीकार है। यह राग कहलाता है। इसके बाद अनुराग होता है। इसमें नित्य नव अनुराग की अनुभूति होती है। प्रियतम की नित्य नए नए रूप में अनुभूति होती है और क्षण क्षण में नए नए अनुराग की वृद्धि होती है। यह अनुराग है। नया मकान, नया बगीचा, नया प्रेमी, नई प्रेमिका, नया वस्त्र, नई मोटर और नई कमाई में भी अनुराग होता है, पर उनके स्थायी हो जाने पर वह अनुराग घट जाता है, मिट जाता है। वे चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, आकर्षण नष्ट हो जाता है। पर यहाँ तो श्याम सुंदर नित्य नव सुंदर दिखते हैं, नित्य उनका सौंदर्य बढ़ता ही जाता है, नित्य नए प्रेम की रस लहरें उठती हैं, कभी यह रुकता ही नहीं, जिसकी वृद्धि का कभी प्रवाह रुके नहीं। नित्य नया रस, नित्य नया प्रेम, नित्य नया आनंद, वह यहाँ अनादिकाल से चलता रहता है। इस श्री कृष्ण लीला विलास का नाम अनुराग है। यह जब प्रगाढ़ होता है तब भाव कहलाता है। यह भाव जब पूर्ण परिणति को प्राप्त हो जाता है तब यह महाभाव कहलाता है। यह महाभाव ही राधा का स्वरूप है। यह महाभाव ही गोपी उपासना की पद्धति है। यही लक्ष्य है, यही गोपी उपासना का प्राण है, आत्मा है, और इसी का आश्रय लेकर श्री कृष्ण तृप्त रहते हैं। इसी का आश्रय लेकर श्री कृष्ण तृप्त रहते हैं। यह महाभाव न हो तो कुछ नहीं। गोपांगना गणों की श्री कृष्ण की सत्ता इस महाभाव को लेकर ही है। यह नहीं तो श्री कृष्ण की सत्ता नहीं। परमात्मा रहें, ब्रह्म रहें, ईश्वर रहें, लोक परलोक के सृजन करता रहें, जगन नियंता रहें, सब रहें, पर प्रियतम प्रेष्ठ तो श्री कृष्ण ही हैं। सप्रेष्ठम लब्धे। जिस प्रियतम के प्रेम के सामने कोई चीज नहीं रही, सबकी विस्मृति हो गई, सबका विलोप हो गया, वह प्रेम जो सब कुछ जलाकर उसके ध्वंसा अवशेष पर हर्षोन्मत्त होकर नाच उठता है, उसे प्राप्त होता है। जहाँ यह प्रेम रहता है वहाँ सबकी राख करनी पड़ती है। जो सबको जलाकर, सबको फूंक कर, लोक परलोक को ध्वंस कर, भुक्ति मुक्ति का धुआं उड़ाकर सबके भस्मा अवशेष पर नाचता है वही इस भगवत प्रेम को प्राप्त करता है। श्री राधा की दया बनी रहे, हम लोग उनका प्रेम कण प्राप्त करने के लिए उनकी ओर बढ़ें, चलें, यही परम सौभाग्य की बात है। हरि ओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी आगे कहते हैं,
राधा कृष्ण की अभिन्नता तथा राधा प्रेम की विशुद्धता। राधा अष्टमी में दिन में प्रवचन करते हुए भाई जी ने कहा, श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। वे सच्चिदानंद स्वप्रकाश और अद्वैय ज्ञान स्वरूप हैं। वे सर्वमय हैं, सर्वातीत हैं। वे सर्वज्ञ सर्वज्ञ अनंत विभू हैं। वे सर्वलोक महेश्वर सर्वशक्तिमान हैं। वे अनंत शक्तियों के परम आधार और एकाधार हैं। वे सगुण निर्गुण निराकार और साकार, वे ब्रह्म की प्रतिष्ठा हैं। वे ही आश्रय तत्व हैं। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। वे ही द्विभुज मुरली मनोहर श्याम सुंदर नराकृति पर ब्रह्म लीला में लीला पुरुषोत्तम भुवन मोहन श्री विग्रह हैं। वे अचिंत्यानंत विरुद्ध धर्माश्रय और अपार करुणा में हैं। वे साक्षात मन्मथ मन्मथ हैं। वे आनंद चिन्मय रस समुद्र रस स्वरूप आस्वाद्य और आस्वादक रसिक शेखर हैं। वे अपने असमूर्ध्व नित्य परिवर्धनशील सौंदर्य माधुर्य के द्वारा विश्वमोहन सर्वचित्त आकर्षक हैं, सर्वचित्त हर हैं। यहाँ तक कि अपने स्वरूप सौंदर्य को देखकर स्वयं ही मुग्ध हो जाते हैं। अपने ही इस नित्य सौंदर्य माधुर्य रस का समास्वादन करने के लिए वे स्वयं अपनी आह्लादनी शक्ति को अथवा आनंद स्वरूप को सदा सर्वदा श्री राधा रूप में अभिव्यक्त किए हुए हैं। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की ही स्वरूपा शक्ति हैं। वे श्री कृष्ण की ही अभिन्न स्वरूपा हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण राधा के अभिन्न स्वरूप हैं। इनकी यह रस मधुर लीला सत्य और नित्य हैं। वस्तुतः लीला और लीला में भी अभिन्न ही हैं। तत्व और लीला एक ही स्वरूप की दो दिशाएं हैं। तत्व में जो अव्यक्त है वही लीला में परिस्फुट है। तत्व में जो बीज है वही लीला में विशाल विशद वृक्ष है। दूसरे शब्दों में तत्व लीला रूप अक्षय सरोवर का एक जल बिंदु है। लीला तत्व का प्रकट विग्रह रूप है। तत्व की समग्रता ही लीला है। लीला का निगूढ़ रहस्य ही तत्व है। एक ही परम नित्यानंद रस ब्रह्म तत्व नित्य अखंड रहकर ही आस्वाद्य और आस्वादक रूप से दो रूपों में अभिव्यक्त होकर लीलायमान है। एक ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और दूसरी श्री वृषभानु दुलारी श्री राधा। श्री कृष्ण रसमय हैं और श्री राधा भावमयी हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।